दोस्तों अगर हम फ़ोन की बैटरी की बात करें तो बहुत लोगों का मानना है कि अगर पूरी रात फ़ोन चार्जिंग पर लगा दें तो क्या होगा, क्या मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर यह है कि हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे में दो केसेस बनते हैं। पहला एक केस कि आपका मोबाइल किसी भी ब्रांड का है और चार्ज भी वही ब्रांड का है जो कि फ़ोन के साथ डिब्बे में आया था, इनबॉक्सिंग करते समय मिला था। अगर आप उसी से चार्ज करते हैं और आगे भी उसी से चार्ज करते आ रहे हैं तो एक्चुअली में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये बिल्कुल ट्रुथ है। बट हाँ, अगर हमारा चार्जर एडेप्टर ख़राब हो जाए या हो जाए तो दोनों में से एक चेंज कर लेते हैं या फिर पूरा का पूरा चार्जर ही चेंज कर लेते हैं या फिर मार्केट से किसी और ब्रांड का खरीद ले आते हैं और चार्जर ओरिजिनल नहीं रहता है तो हम मार्केट से 100 या 200 रुपए वाले चार्जर उठा लेते हैं। बट हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर रिस्क वाली बात आ जाती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है और जो ऐसे न्यूज़ को सुनते हैं कि पूरी रात ओवरनाइट या चार्जिंग की वजह से फ़ोन ब्लास्ट हो चुका है, जो कि ऐसा सुनते हैं, उसमें 70-80% लोगों को दिक्कत आती है कि चार्जर किसी और ब्रांड का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका एक लाइन में आंसर यह है कि अगर आपका मोबाइल सैमसंग का है तो सैमसंग का ही चार्जर यूज़ करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये मोबाइल से और चार्जर से जुड़ा एक फैक्ट था जो आपको अवेयर कराना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करिए।